Morning, dear parents and student. I am Sarita, the maths teacher of your world in class 8. Today is 16 April 2020, that is Thursday. So we are going to start our chapter 2, linear equation in one variable with our next exercise, exercise 2.4. Right, student? So this is part 1. In this exercise, we are having 10 word problem sums. 5 हम आज करेंगे और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फाइन स्टूडेंट. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डू 3 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, वो इजी था इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, राइट? If 21 is added to both the numbers, 21 added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? आपको numbers बताने बेटा, ध्यान से पढ़ना question को, आपको पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है. एक positive number 5 times है दूसरे number के. So हम क्या करेंगे, हम let another number, जो हमने another number है वो हमने x assume किया, तो positive number क्या हो जाएगा, वो 5 times है another number के. So then positive numbers is 5x, right? Now, second line में आपको क्या बोला है, if 21 is added to both the numbers, हम दोनों number में क्या add करेंगे, 21, according to question, let's see according to question हमारी क्या equation बनती है बेटा, 5x plus 21, हमने भी इसमें भी 21 add कर दिया और another number में भी x plus 21, but यहाँ पे आपको given था that one of the new number becomes twice, जो new number है हमारा वो क्या बन जाएगा, twice the other new number. तो ये जो नया नंबर बना ये इस न्यू नंबर का क्या है, ट्वाइस. तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ सिंपल, इसके बाद तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है जो आप लोगों ने अभी तक हर एक्सरसाइज में किया है. सो 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट विल बिकम 2x plus 42. नाउ x वाले नंबर्स को हम एक साइड ले जाएंगे और numerical terms को एक साइड ले आएंगे, तो 5x minus 2x and 42 minus 21, that means 3x equal to 21. Now x equal to 21 divided by 3 and 3 ones are 3, 3 sevens are 21, right students? So our answer will be 7. So x equal to 7, hence another number, x हमने क्या assume किया था, another number. So another number is 7 and पॉजिटिव नंबर 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई हम x की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 7, दैट इज 35. सो हमारे दोनों नंबर्स निकाल लिए हम लोगों ने. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ध्यान से रीड करना है आपको क्वेश्चन. फर्स्ट लाइन में क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है और उसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है, राइट स्टूडेंट? When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? आपको 2 digit का number बताना. हमारे पास 2 digit का number है जिसके digits का sum 9 है और उनको interchange करने पर दूसरा जो number आ रहा है वो 27 बड़ा है original number से. So let's see हम क्या करेंगे, हम let करेंगे. Let the unit place digit of 2 digit number be x. यूनिट प्लेस हमने क्या लिया, एक्स. तो यूनिट और टेंस प्लेस का सम कितना गिवन है, 9 गिवन है. अगर मैंने यूनिट प्लेस एक्स लिया है तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स. ऑब्वियसली टोटल सम 9 होना चाहिए, तो ये अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स. द टेंस प्लेस डिजिट विल बी 9 माइनस एक्स. अब हमें क्या करना है, पहले हम नंबर बनाएंगे बेटा, 2 डिजिट नंबर. कैसे फॉर्म होते हैं 2 डिजिट नंबर, आई थिंक सबको पता है. टेंस वाले प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसमें यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं. यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो बेसिकली हमें सेम नंबर को ही ऐड करना होता है. सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट इज 9 माइनस एक्स प्लस यूनिट प्लेस इज एक्स, राइट स्टूडेंट? नाउ दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर, जो यहाँ पे बोला है दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. ये हमारा ओरिजिनल नंबर है. अब हमें इसको इंटरचेंज करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स,
जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, मतलब एक्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 माइनस एक्स हमारी यूनिट प्लेस बन जाएगी, तो इंटरचेंज करने के बाद हमारा नंबर बनेगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, 27। तो हम ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देंगे। लेट्स सी न्यू नंबर। एज आई टोल्ड यू, हमें इंटरचेंज करनी है अपनी वैल्यू। सो यहाँ पे न्यू नंबर हमारा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ओरिजिनल नंबर एज इट इज बेटा, और प्लस 27। नाउ अगेन वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, दैट दिस साइड विल रिमेन एज इट इज। ब्रैकेट ओपन किया, इधर ब्रैकेट ओपन करा, तो हमने 10 9 जा 90 और 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x प्लस एक्स प्लस 27। नाउ 10x minus x will be 9x and plus 9 as it is. Here 90 plus 27 is 117, or minus 10x plus x minus 9x. Now minus 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, plus 9x, और plus 9 इधर आके क्या हो गया बेटा, minus 9. So 18x equal to 108 and x equal to 108 divided by 18, that is 6. 18 6 10 8 हो जाता है, राइट स्टूडेंट। सो आर आंसर विल बी 6। तो यूनिट प्लेस हमारी क्या आ गई, 6। तो टेंस प्लेस डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10 3 जा 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 दैट विल बी 36, राइट स्टूडेंट। देखो 3 प्लस 6 करेंगे तो हम क्या आएगा, 9 आएगा, जो इनकी दोनों डिजिट्स का सम में बोला गया था कि 9 है, राइट स्टूडेंट। सो हमारा टू डिजिट नंबर क्या आ गया है, 36। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, आपको क्या करना है, आप फिर से वही इंटरचेंज करना है और रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में एड करके हमें क्या मिलेगा, 88। So what is the original number? Let's see. First हम let करेंगे, let the unit place of the two digit number be x, or therefore the tens place digit will be 3x, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया था that tens place क्या है, 3 times है। Now two digit number again, जैसे हमने किया था 10 into tens place digit plus unit place, so 10 into 3x plus x, और 10 into 3x करेंगे तो 30x plus x that will be 31x। तो basically हमारा original number क्या हो गया, 31x, right। जब हम इसको interchange करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x plus 3x। so according to question हमें क्या करना है, दोनों numbers को add करना है, new number plus original number is equal to 88, ये given आपको। तो original number तो आपको पता है 31x है, तो न्यू नंबर क्या होगा बेटा, जब हम x को 10 के साथ ले आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे और 3x यहाँ आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 10x प्लस 3x, राइट, ये आपका न्यू नंबर है, और प्लस 31x ये ओरिजिनल नंबर है। सो नाउ ऐड करेंगे, 10 प्लस 3 13 प्लस 31 विल बी 44x इक्वल टू 88। नाउ x इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 44, 44 टू जा 88, सो our answer x is 2. Now the two digit number is 31x tha hamara, to 31 into 2 that is equal to 62, right student. Now these two questions are your homework, you need to do these two questions beta, easy hai, aap logo ne kiye hain pehle, abhi maine jo karaya unhi pe based hai, right student. So this will your homework and you will do yourself. Now we will meet in the next video with the next exercise. Till then, stay indoors, stay safe, stay healthy. Thank you.